आगे निकल जाओ सर, आगे उधर आगे तक है 85 गड्ढे हैं। संदी में लिखो विलेज संदी। हाँ लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पेड़ को लगाकर उसकी हिफाजत करने, जैसे सर ने भी कहा था, सबने कहा वहाँ जो जो बोले हैं उनको बचाना है। बचाने का तरीका क्या है कि सबसे पहले आपको, और आपको एक बात मैं आप और बता दूँ, आपने जो बन्नी में जितने जंगल हैं यहाँ ज़्यादातर कॉनिफर हैं, कॉनिफर में हमारे चीड़ हैं, देवदार हैं, और इसमें जो ब्रांड लीफ है सबसे ज़्यादा जंगल जो हमारे ओक हैं। ओक में आते हैं 3 किस्म के, बांझ है, खरशू है और महरू है। जहाँ आपको ये जंगल ज़्यादा दिखाई देंगे आपको पानी वहाँ ज़्यादा मिलेगा। देवदार का पेड़ जो है, इस एक पेड़ के नीचे कम से कम 200 ड्रम का पानी इसने पकड़ के रखा होता अपने नीचे। आप ज़रूर जाओगे, जैसे ऊपर जाओगे पानी क्यों है ऊपर, वो देखा आपने, आप वो जो सीजनल ढोक्स पे जाते हैं तो वहाँ भी पानी होता है ना, इतना इतना आपको यहाँ नीचे नहीं मिलेगा। तो इसलिए जहाँ जंगल ज़्यादा हैं वहाँ पानी की कोई किल्लत नहीं है, बारिशें वहाँ पर हैं। आपने पिछले साल जहाँ कोविड चल रहा था तो बन्नी में ऑक्सीजन की कमी क्यों नहीं हुई, नहीं ना हुई। नीचे वो कह रहे थे हमें सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, ब्लैक में मिल रहे थे वहाँ पर, है ना। तो यहाँ हमारे पास बहुत ज़्यादा पेड़ हैं और इनको और ज़्यादा लगाने की हमें अभी ज़रूरत है। अब इसके बाद जब लगाने की बारी होती है, जब इसका साइज़ इतना बड़ा हो जाएगा तो हम लगाने के लिए आते हैं। अब इसका जो लगाना है, इससे पहले इसका लिफाफा जो है निकाल लेना, निकाल, ये कम्पैक्ट है पूरा, है ना। अब इसको लगाने से पहले हमें क्या करना है कि ये देखना है कि ये वाला और ये वाली जो इसकी जगह है ये कम से कम इसे 1 इंच ही नीचे रहना चाहिए। अगर हम नीचे डालेंगे तो ये नीचे चला जाएगा, ये सड़ जाएगा, इसलिए हम इसको पहले मिट्टी डाल देंगे। डालो डालो, शाबाश। दो पेड़ लगाए क्योंकि हम जब अपनी ज़रूरत पूरी कर लेते हैं, जो हमें चाहिए जिस हिसाब से लकड़ी चाहिए हम अपनी ज़रूरत पूरी कर लेते हैं, लेकिन जो हमारी आने वाली जनरेशन है हम उसके बारे में नहीं सोचते हैं कि ये कैसे जिएगी, क्योंकि हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सिर्फ पेड़ के ऊपर ही निर्भर हैं, जो आप सबको पता ही होगा। तो मैं आप सबको यही कहना चाहूँगी कि आज जो आप अपना एक एक प्लांट लगाएंगे, मैं तो सब बच्चों को यही कहना चाहूँ, बनी का एरिया वो हरा भरा हो सकता है। प्यारे बच्चों, मैं इंस्पेक्टर भोपाल सिंह इस प्लांटेशन समारोह में आपका सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारा उद्देश्य यह है कि हमारे साथ साथ हमारे कमांडेंट श्री प्रहलाद पासवान और अन्य अधिकारियों का भी यही उद्देश्य है कि कठुआ डिस्ट्रिक्ट प्लांटेशन किया जा रहा है। इसके लिए सभी हमारी जो अलग अलग कंपनियाँ हैं उनको अलग अलग टास्क मिला हुआ है और सभी अपने अपने एरिया में ये प्लांटेशन कर रही है। मेरा मानना यह है कि पौधा लगाना हर एक आदमी के जीवन में होना चाहिए। बहुत खुशी की बात है अगर हर आदमी हर वर्ष एक से ज़्यादा पौधे लगाए, लेकिन पौधा लगाने का मतलब ये नहीं है कि पौधे को ज़मीन में गाड़ दिया और उसकी देखभाल नहीं किया, फिर उस पौधे का कोई मज़ा नहीं है। जिस प्रकार हम छोटे बच्चे को बोलना, चलना, फिरना सिखाते हैं, 4 साल की एज तक खाना भी सिखाते हैं उसको किस प्रकार खाना, उसी प्रकार अगर आप इस पौधे को 4 या 5 साल इसकी देखभाल कर ली तो यही पौधा पेड़ बनकर आपकी देखभाल करेगा। ज़रूरी है हमारे पर्यावरण के हिसाब से भी पौधे की देखभाल भी आप लोग ही करोगे जब तक आप इसी डिग्री कॉलेज में अध्ययन कर रहे हो। CRPF जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, SHO बनी श्री गिरी जी,
सरपंच अपने सुशील कुमार जी और जो हमारे यहाँ पूरे देश भर के अंदर वनों महोत्सव जो है सेलिब्रेट किया जाता है। और क्योंकि ये बरसात का महीना होता है, जो भी हम प्लांट्स लगाते हैं उसका जो सर्वाइवल रेट होता है इसके मंथ में सबसे ज़्यादा होता है, कि यानी इस समय अगर हम प्लांट लगाएंगे वो सर्वाइव कर जाएगा तो ये माना जाता है कि वो आगे भी सर्वाइव करेगा। इसलिए जो सावन का महीना, ये जो बरसात के दिन है, इसको हम वनों उत्सव के तौर पर भी सेलिब्रेट करते हैं और पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस समय जो है ये लगाए जा रहे हैं, वृक्ष जो है लगाए जा रहे हैं। HRD मिनिस्ट्री ने भी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी हमें प्रोग्राम दिया है कि हम भी अपने कैंपस के अंदर, क्योंकि इस कैंपस को हमने अभी पिछले मई के मंथ में हम यहाँ शिफ्ट किए हैं और अभी यहाँ प्लांटेशन की बहुत ज़रूरत है, तो ये हमें टारगेट दिया है कि हम इस साल हम प्लांट्स लगाएँ और अगले साल भी लगाएं और 3-4 साल लगाकर हम इसको एक अच्छा हरा भरा जो है अपना कैंपस बनाएं। उसके बाद इसको अपना प्लांट समझना है। बहुत से जगहों पे आजकल एक मुहिम चलाई जा रही है कि जब प्लांट्स लगाया जाता है, जब उसका एक साल पूरा होता है, तो वो जो जिसने लगाते हैं वो उसके साथ फ़ोटो खींचता है और वो सोशल मीडिया पर डालता है, ताकि एक भावना पूरे हिंदुस्तान के अंदर चले जाए कि हमें प्लांट्स लगाना है। ग्लोबल वार्मिंग का जो हमारे सामने खतरा आ रहा है या पॉल्यूशन का जो हमारे सामने खतरा आ रहा है उसको हम कम कर सकें, ऑक्सीजन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर। हम बिना दबाए पानी डालते ताकि अच्छी तरह से बाहर बाहर से सर दबा करते हैं, आप फिर मिट्टी डालें। मैं प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज बनी और फॉरेस्ट विभाग का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने प्लांटेशन लगाने के लिए यहाँ भी ज़मीन दी और फॉरेस्ट विभाग ने यह प्लांटेशन हमारे को दिए और उन्होंने आगे भी हमारे को ऐसे प्लांटेशन देने के लिए विश्वास दिलाया है और आगे भी हम कोशिश करेंगे और साथ में मिलके ये प्लांटेशन की कार्रवाई करते रहेंगे। 121 CRPF बटालियन बनी, इंस्पेक्टर भोपाल सिंह, प्लांटेशन ड्राइव की गई है इन द प्रेमिसेस ऑफ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बनी। पिछले साल भी इन्होंने यहाँ पे प्लांटेशन ड्राइव की थी, एवर ग्रीन प्लांटेशन ड्राइव, जिसमें सीड्रस देवदारा और पाइन ट्री लगाए गए थे। तो इस बार इन्होंने एक और बहुत ही बड़ा सेंसिटिव इशू और नीड ऑफ द आर है प्लांटेशन ड्राइव, जैसे ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग है, सीजनल चेंज है, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम हैट्स ऑफ कहेंगे CRPF के जवानों को, जिस तरह उन्होंने यहाँ एकदम रेवोल्यूशन लाया है। ये वन ऑफ द बिगेस्ट प्लांटेशन ड्राइव है, 100 प्लांट्स का यहाँ इन्होंने इम्प्लांट किया है आज। तो इंस्पेक्टर साहब से हम जानेंगे किस तरह यहाँ दूरदराज इलाका बनी को ये फर्म डिटर्मिनेशन है इनकी कि और भी हम ऐसी जगहों पे ग्रीनरी को बढ़ावा देंगे। इंस्पेक्टर सर, जो प्लान था आज का वो 100 प्लांटेशन हमने किए हैं और 100 प्लांटेशन हम और एक दो दिन के अंदर करने वाले हैं। हमारे कमांडेंट श्री प्रहलाद पासवान जो भी 121 बटालियन से हैं, उनकी भी सोच यही है कि यहाँ पे एक हरेक स्टेट में हरियाली हो, उससे देश की में खुशहाली हो। खुशहाली लाने के लिए प्लांटेशन करना बहुत ही अनिवार्य है और मेरी भी यही सोच रहती है